So back to the channel guys, this is Shivam Bajpayee. Here we are to presenting another capsule video after a long time. This capsule video is really important for you because the MP Police Constable exam is very near to you. Just 60 day remaining for your exam according to the PEB new calendar 2021. So here I start the new capsule video. Capsule number 40 is here. हम इस capsule video की series को 50 तक जरूर ले जाएंगे और बहुत समय बाद ये capsule video आया है. साथ ही हमारी MPGK की जो new MCQs की जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसको भी आप देखना ना भूलिएगा. उस सारी जो लिंक्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी प्लेलिस्ट की जो है लिंक मिल जाएगी, जहां से आप जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट करके नए वीडियो देख सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं. यहाँ पर आज थोड़ा सा जिग जैग नहीं बोलना चाहिए, हौच पौच तरीके से जो है हमने क्वेश्चन को रखा हुआ है. और अभी मैं थोड़ा इसको फ्लाइट मोड में कर दूँ क्योंकि बींग अ पुलिस मैन इट्स रियली डिस्टर्बिंग टू गेटिंग कॉल्स, मिस कॉल्स, एवरीथिंग. सो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कैप्सूल वीडियो. बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो इसके तैरने का कारण ये होता है कि क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम ले लेते हैं. हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खुला हुआ है? तो ये हैदराबाद में ओपन हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर ले लेते हैं. हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया है? तो संसद टीवी इसका नाम रखा गया है. कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति जो है वृक्षों पर निवास करती है. क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं. व्रत के बाद किया जाने वाला प्रथम भोजन क्या कहलाता है? तो उसे हम पारणव बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो 10 जिल्दों में राजस्थानी शब्दकोश किसने तैयार की? तो सीताराम लालस के द्वारा जो है राजस्थानी शब्दकोश को तैयार किया गया है 10 जिल्दों में. जिल्द मतलब एक बुक टाइप का जो होता है उसको हम जिल्द कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें. प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं. उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि हमको पता है कि गन्ना बहुतायत में उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ की एक महत्वपूर्ण नकद फसल कौन सी हो जाएगी? गन्ना हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं. हरियाणा राज्य के किस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर सूर्य ग्रहण का मेला लगाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं. मध्य प्रदेश के प्रथम तितली पार्क है. यहाँ पे थोड़ा सा एरर रेक्टिफाई कर लीजिएगा बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट टू रेक्टिफाइंग द एरर. सो हम यहाँ पे तितली पार्क ले लेंगे. मध्य प्रदेश के प्रथम तितली पार्क का लोकार्पण जो है गोपालपुर रायसेन में किया गया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी पुलिस कांस्टेबल के स्पेशली, उसकी अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. अभी आज इस पीडीएफ में स्पेशल मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमने एमपीपीएससी 2021 के जो क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड किया हुआ है. थोड़ा सा आपके मन में एक इमेजिनाइजेशन हो पाएगा कि उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं. समुद्री जल से शुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आश्वन विधि द्वारा जो है हम शुद्ध जल प्राप्त करते हैं समुद्री जल से. क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं. पारधी जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में जो है पारधी जनजाति निवास करती है. मेगा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में बार बार न्यूज़ में जो है मेगा पाटकर का नाम आता रहता है और इसका संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है. पहली कंघी या फर्स्ट कॉम्ब, जो बालों में कंघी करने वाली जो कॉम्ब होती है उसके आविष्कार किसके रूप में जाने जाते हैं? तो बंजारा जो जनजाति है उसी ने कंघी का आविष्कार किया था. ये बहुत दिन तक जो है नहाते नहीं थे, बालों में जूं हो जाते थे. हाँ, ये मतलब हंसने वाली बात नहीं है, जो है कि कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं जो रोज़ स्नान करना प्रेफर नहीं करती हैं. दिवाली दशहरा पर भी बस स्नान करती हैं. जो घुमक्कड़ जनजातियाँ होती हैं वो स्नान रोज़ नहीं करती हैं. तो बालों में गंदगी हो जाने की वजह से उन्होंने एक ऐसे यंत्र का विकास कर लिया था जो बालों की गंदगी को साफ कर सके, तो उसे हम कंघी कहने लगे, जिसका प्राय उपयोग बढ़ता गया और धीरे धीरे सभी लोग कंघी का इस्तेमाल करने लगे. अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का कौन सा राज्यपाल हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुका है? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा या बीडी शर्मा भी जिन्हें हम कहते हैं वो जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं. एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये. मध्य प्रदेश के कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो 70.14% है, तो उसे हम लगभग 20% भी बोल सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, और ये भी एमपीपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है.
क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थान के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 243 ना और ऑब्लिक एक जो है उसका जो प्रावधान है उसका किया गया है, इस सेक्शन में किया गया है। तो ये भी प्री 2021 का क्वेश्चन है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में ये रायसेन जिले के कुमरा गाँव नहीं था, लेकिन ऑप्शन में था विंध्यन पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से और दो तीन और भौगोलिक पहाड़ियों के नाम लिखे हुए थे। लेकिन अपन को दोनों आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल में जिला भी पूछ सकता है, जगह भी पूछ सकता है, या भौगोलिक दृष्टिकोण से पहाड़ी का नाम भी पूछ सकता है। तो दोनों आंसर हमें आने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्यन पहाड़ियों की, विंध्यन पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ हैं, कहाँ हैं, रायसेन जिले में जो कुमरा गाँव है वहाँ पर जो विंध्यन पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हमारी बेतवा नदी जो है निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? तो उत्तरी भाग, जो हमारा भिंड मुरैना ग्वालियर रेंज जो है, ऊपरी जो हमारे शिखर पे जो भाग है वहाँ पे जो है तापमान अधिक होता है, राजस्थान की जो सीमा पे पड़ता है, ठीक है, या उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है, आगरा वगैरह। तो हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो कब बढ़ता है? तो हम दक्षिण से उत्तर की ओर जो है हमारा जो औसत तापमान है जो वो बढ़ता है। तो ये भी प्री के क्वेश्चन है 2021 के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो हमने अपनी पीडीएफ में इंक्लूड किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है अच्छी है, ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है या सबसे बेस्ट है? तो वो हमारा बालाघाट जिला है जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ है। MPPSC प्री का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 में कितना रहा? तो 34.14% रहा। ये बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाला गया था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है जो आपके नंबर काटने के लिए होता है। ऐसे पेपर जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपको भी 2 से 5 देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? एक ऑप्शन छिंदवाड़ा आपको मिलता है, एक शहर आपको भोपाल मिलता है। तो इसका सही आंसर है भोपाल, और ये भी MPPSC प्री का क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो ये यमुना बेसिन से संबंधित है, और ये भी MPPSC प्री 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है, और ये MPPSC 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमिन का अंश किस में प्रयोग होता है? तो सड़क के पृष्ठ लेपन में इसके हम जो बिटुमिन का अंश है उसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। अगला क्वेश्चन है, केलाइडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह बहुलित्र परिवर्तन करने परिवर्तन में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है परिवर्तन है वो वहाँ पे परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि आती है, ऐसा क्यों होता है? तो घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, उसके कारण ये चटचटाहट की आवाज़ जो है आती है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर लेते हैं। डोडो पक्षी किस का उदाहरण है? तो ये विलुप्त प्रजाति है डोडो पक्षी, तो ये विलुप्त प्रजातियों का एक उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात कर लेते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन टार्चों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो वेल्डिंग और धातुओं को काटने के लिए हम ऑक्सी एसिटिलीन टार्चों का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात कर लेते हैं। भेड़ से ऊन को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया है। तो भेड़ की ऊन से जो है ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, और ये जो भेड़ से ऊन को जब हटाया जाता है उसको काटने के लिए या हटाने के लिए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊन कटाई उसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात कर लेते हैं। विषाणु मतलब वायरस माने जाते हैं, तो ये सजीव और निर्जीव के बीच का जो ट्रांजेक्शनल ग्रुप होता है वायरस को हम वही मानते हैं। TM भी संबंधित है, तो ये विषाणुओं से संबंधित है। विषाणु का मतलब होता है वायरस, जैसे अभी अपना कोरोना वायरस चल रहा है वैसे ही एक वायरस को हम हिंदी में विषाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात कर लेते हैं। कुत्ते के काटने से होने वाला रेबीज या हाइड्रोफोबिया किस रोग जो है किससे फैलता है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे
ये विषाणु। और क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें, चेचक का टीका किसने खोजा, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी। विषाणु वृद्धि करता है, तो जीवित शरीर में जो है विषाणु जो है अपनी ग्रोथ करता है। एड्स के क्या कारण है, तो T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण जो है एड्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात कर लें, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को हम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। सोर्स क्या है, ये भी MPPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। 39 सोर्स क्या है, तो एक विषाणु जनित रोग को हम सोर्स कहते हैं, ठीक है। अपना कोरोना भी है, COVID-19 भी है, प्लस सोर्स भी जो है विषाणु जनित रोग है। खसरा रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण जो होता है खसरा रोग होता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करें, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। सर्गासो समुद्र का नाम क्यों पड़ा, तो शैवालों के कारण सर्गासो जो नाम पड़ा वो समुद्र का, वो शैवालों के कारण पड़ा। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करें, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वनस्पति जगत के गैर विषम पोषित पौधे कौन होते हैं, फंजाई होते हैं, ठीक है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, ट्राइनाइट्रोटाइलिन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा तैयार किया जाता है। बिजली की उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत से वह मरता नहीं है, तो क्या कारण से नहीं मरता है, तो वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समवृत्त पथ नहीं बना पाता है, इसलिए वह बिजली से नहीं मरता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं, तो उनको हम अर्धचालक कहते हैं। और AC करंट को DC करंट में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं, तो उसे हम दृष्टकारी कहते हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन ब्रॉट टू यू बाय SB स्टूडियो। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि MP पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, वीडियो हो, एजुकेशनल कंटेंट हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग हो, जो भी आप देखना चाहें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो से इतना ही कहना चाहूँगा, साथ ही आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, जहाँ पे आपको सारी लिंक्स व्यवस्थित तरीके से दी गई हैं, जहाँ पे आप किसी भी प्रकार की वीडियो पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।